हेलो एवरीवन, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू एआईओ कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोरल ड्रॉ में कुछ इस तरह का स्कूल आईडी कार्ड डिज़ाइन क्रिएट करना बताऊंगी। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यू पेज ओपन कर लेती हूँ। मैं कीबोर्ड में कंट्रोल एन प्रेस करूँगी, देन ओके। किसी भी डिज़ाइन को करने से पहले हमें सबसे पहले उसकी साइज लेनी होती है, तो आईडी कार्ड की जो साइज होती है वो मैं ले लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो यूनिट्स है ये आपको मिलीमीटर सेलेक्ट करना है। आपको इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मिलीमीटर सेलेक्ट करना है, ओके। अब उसके बाद इसकी साइज 55 mm by 88 mm करना है, ओके। शिफ्ट के साथ मैं F4 प्रेस करूंगी जिससे पेज का एक्चुअल साइज यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पेज के ऊपर हमें एक रिक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको रिक्टेंगल टूल के ऊपर डबल क्लिक करना होगा जिससे ये ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा पेज के ऊपर। इस पेज की साइज का एक रिक्टेंगल ड्रॉ होगा, ओके। देन हमें मार्जिन बनाना है चारों तरफ से, हमें 4 mm का स्पेस रखते हुए। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेती हूँ, कुछ इस तरीके से लाऊंगी, देन माउस में लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक करूँगी। आपको कुछ इस तरीके से इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेना है। अब इसकी साइज यहाँ से 51 by 84 करना है, कुछ इस तरीके से आपको 51 by 84 mm कर लेना है। इंटर प्रेस करूँगी तो देखिए हमारा मार्जिन आ चुका है, ये हमारा आईडी कार्ड का साइज है, ओके। अब जितने भी मैटर्स हैं सभी मैटर्स को हमें इसके अंदर सेट करना है। अब क्या करूँगी, इस छोटे वाले रिक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से लाते हुए राइट क्लिक करूँगी माउस में लेफ्ट छोड़ने से पहले, जिससे क्या होगा इसका एक डुप्लीकेट कॉपी होगा। अब उसके बाद मैं सेप टूल को सिलेक्ट करूँगी, तो आप कीबोर्ड में डायरेक्टली F10 प्रेस करके भी सेप टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की F10 होता है। देन मैं कीबोर्ड में कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगी जिससे ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद मैं एक बार यहाँ पर क्लिक करूँगी जिससे ये क्या होगा, हमारे सामने ब्लैक कलर का डॉट आएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व, आपको सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन इस पॉइंट को मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा नीचे की ओर ड्रैग करूँगी, इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर की ओर, इतना सही है। इस एरो को थोड़ा ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लूँगी और इस एरो को थोड़ा नीचे की ओर ड्रैग करूँगी कुछ इस तरीके से। इस पॉइंट को थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ, इतना सही आई थिंक। देन मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी, इसमें मैं इंटरेक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करूँगी, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में जी प्रेस करना है जिससे डायरेक्टली इंटरेक्टिव फिल टूल सिलेक्ट हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से मैं इसे ड्रैग करूँगी। अब उसके बाद इसमें मैं इस सैन कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ इस बॉक्स में। अब आप अपने अकॉर्डिंग एंगल दे सकते हैं। देन इसकी जो आउटलाइन है उसे मैं रिमूव करूँगी, तो उसके लिए आपको इस क्रॉस मार्क के ऊपर राइट क्लिक करना होगा जिससे इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगा, ओके। अब क्या करूँगी, आपको कुछ इस तरीके से माउस के कर्सर को लाना है तो आपके सामने एक एरो शो होगा। अब आपको कुछ इस तरीके से इसको ड्रैग करते हुए राइट क्लिक कर देना है। इसमें मैं किसी भी कलर को फिल कर देती हूँ, इस ब्लू कलर को मैं फिल कर देती हूँ। अब शिफ्ट के साथ पिच डाउन प्रेस करूँगी जिससे ये पीछे चला जाएगा कुछ इस तरीके से, ओके। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्कूल का लोगो इंसर्ट करूँगी, तो मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगी, देन यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं उस लोगो को सिलेक्ट कर लेती हूँ और कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए इसे यहाँ पर रखूँगी। अब इसे यहाँ पर मैं सेट करूँगी प्रॉपर कुछ इस तरीके से, सही है। मुझे जो भी टेक्स्ट लिखना है मैं टेक्स्ट को कॉपी एंड पेस्ट कर लेती हूँ। अब उसके बाद ये सभी टेक्स्ट ग्रुप है तो मैं इसे अनग्रुप करूँगी, मैं ब्रेक करूँगी, मैं कीबोर्ड में कंट्रोल के प्रेस करूँगी जिससे ये सभी अलग अलग हो जाएंगे। और इस स्कूल नेम को मैं इधर साइड रखूँगी, साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ। एंड उसके बाद टेक्स्ट के स्टाइल मैं चेंज करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर F8 प्रेस करूँगी कीबोर्ड में,
जिससे हमारा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। मैं कर्सर को यहाँ पर लाऊंगी, देन इंटर प्रेस करूँगी और इसे स्पेस की हेल्प से सेंटर में लाऊंगी कुछ इस तरीके से। देन मैं पिक टूल को सिलेक्ट कर लूँगी, इसकी साइज़ थोड़ा इंक्रीज करूँगी, इतना सही है। इसकी कलर मैं रेड कर लेती हूँ, रेड कलर के ऊपर थोड़ी देर क्लिक रखूँगी और यहाँ से थोड़ा डार्क रेड कलर को सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट करूँगी। साइज़ थोड़ा और मैं डिक्रीज कर लेती हूँ, इतना सही है। एरो की हेल्प से इसे प्रॉपर सेट करूँगी। अब यहाँ पर भी मैं कंट्रोल के प्रेस करूँगी और इसे सिलेक्ट करूँगी इस वर्ड को और एरो की हेल्प से थोड़ा ऊपर की ओर इसे सेट कर दूँगी, ऐसे ही। यहाँ से मैं इस एड्रेस को सिलेक्ट करूँगी और टेक्स्ट की स्टाइल मैं चेंज कर लेती हूँ, ये सही है। और इसकी साइज़ थोड़ा और मैं छोटा करूँगी और यहाँ पर सेट करूँगी। टेक्स्ट स्टाइल मैं कोई और कर लेती हूँ, साइज़ इतना सही है। इसे एरो की हेल्प से प्रॉपर सेट करूँगी कुछ इस तरीके से करूँगी कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद अब आपको क्या करना है, अगेन रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर ड्रैग करना है। देन सैप टूल को आपको सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से किसी एक पॉइंट को पकड़कर थोड़ा इसे राउंडेड बनाना है, ये सही है। देन पिक टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना और इसे यहाँ पर सेट करते हुए लाना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का इमेज इम्पोर्ट करना है, मैं राइट क्लिक करूँगी, देन इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी पिक्चर्स और कुछ इस तरीके से इसे ट्रैक करूँगी। देन मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, पावर क्लिक इनसाइड। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने एक एरो आ जाएगा। अब आपको इस एरो को इस छोटे वाले रेक्टेंगल के अंदर लाते हुए माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक कर देना है, ओके। तो आपके सामने एक पॉपअप यहाँ पर विंडो ओपन रहेगा, तो यहाँ से आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कंटेंट्स। जैसे ये कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा और इसे प्रॉपर आपको सेट कर देना है। साइज मैं थोड़ा और इंक्रीज करती हूँ और एरो की हेल्प से इसे कुछ इस तरीके से सेट करूँगी, हो गया। अब इस रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करूँगी और इसमें वाइट फिल कर दूँगी, इतना कर लेना है आपको। इसकी साइज मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ और एरो की हेल्प से थोड़ा और नीचे की ओर इसे सेट करूँगी और इस टेक्स्ट को भी मैं प्रॉपर यहाँ पर सेट करूँगी। इतना करने के बाद अब मैं इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, टेक्स्ट की स्टाइल मैं चेंज करूँगी, जो भी आप करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट की स्टाइल रख सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट की स्टाइल यहाँ से चेंज कर लेती हूँ, सही है, एरियल ही रहने देती हूँ। अब उसके बाद कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर लाऊँगी, साइज़ थोड़ा और डिक्रीज करूँगी, और कीबोर्ड में F8 प्रेस करूँगी और इसे प्रॉपर यहाँ पर सेट करूँगी स्पेस की हेल्प से। यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस दे देती हूँ, यहाँ पर भी मैं कर्सर को लाऊँगी, मैं यहाँ पर कर्सर को लाऊँगी और कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्पेस, देन यहाँ पर लाऊँगी कर्सर को कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। मैं इस नेम को सिलेक्ट करूँगी यहाँ पर लाते हुए, इसकी साइज़ मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ, इतना सही है। इसकी स्टाइल मैं चेंज करूँगी, टेक्स्ट की स्टाइल जो भी आप करना चाहते हैं, मैं थोड़ा बोल्ड टाइप टेक्स्ट स्टाइल कर लेती हूँ। इसकी कलर मैं रेड करूँगी और इसे एरो की हेल्प से सेंटर में सेट करूँगी यहाँ पर प्रॉपर। उसके बाद और मैं इसकी कलर थोड़ा डार्क रेड करूँगी, डार्क रेड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद इन सभी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगी, साइज़ थोड़ा और साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ, इसे प्रॉपर यहाँ पर सेट करूँगी। एंड उसके बाद आप कुछ और इसमें डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं इस
रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी और इसका डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर लाते हुए कुछ इस तरीके से राइट क्लिक करूंगी और डुप्लीकेट कॉपी करूंगी। इसमें किसी भी कलर को मैं फिल कर देती हूँ, इसकी आउटलाइन रिमूव कर देती हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर जो सेप टूल है, इस टूल को आपको सिलेक्ट करना है और इसमें कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगी, एक बार यहाँ पर क्लिक करूँगी, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्ट टू कर्व, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद कुछ इस तरीके से मैं इस कर्सर को नीचे की ओर लाते हुए छोड़ दूंगी। तो देखिए ये फाइनली हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से कोरल ड्रॉ में स्कूल के लिए आईडी कार्ड डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं।